अस्तो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया। असत्य से सत्य की ओर लेकर चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर चलो। और ये प्रज्वलित दिए ना केवल आपके घरों को रोशन करते हैं बल्कि आपके मन को भी प्रकाशमय करते हैं। ये रोशनी से भरे दिए हमेशा हमारे जीवन में आशा के संकेत देते हैं। तो चलिए जोरदार तालियां एक बार फिर से। चलिए एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, बंसल न्यूज की ओर से आयोजित ये खास कार्यक्रम कॉफी टेबल बुक का विमोचन हम करने जा रहे हैं। हमारे मुख्य अतिथि मंत्री विश्वास कैलाश सारंग जी, चिकित्सा शिक्षा सरकार, उनके हाथों आज इस बुक का विमोचन होगा और उन तमाम हस्तियों को हम आज सम्मानित करेंगे, उद्यमियों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने शून्य से लेकर शिखर तक का सफर तय किया है और जो आप सभी हैं। तो चलिए तालियां एक बार फिर से हो जानी चाहिए और कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत की बेला की शुरुआत करती हूँ और मैं निवेदन करूंगी शरद सर से कि वे मंत्री विश्वास सारंग जी का स्वागत करें पौधा भेज करके। तालियां बजती रहनी चाहिए प्लीज। तो चलिए कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे न्यूज है शरद जी से निवेदन करूंगी कि वे आए और स्वागत भाषण दें। शरद जी, मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी, जिनसे बहुत संभावनाएं हैं भविष्य के लिए, अनंत संभावनाओं के धनी हैं। जीवन में सम्मान का बड़ा महत्व है। सम्मान दो तरह का होता है, एक तो हम अपना खुद का सम्मान करते हैं कि नहीं ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है कि पहला तो आपकी निगाह में अपनी वैल्यू क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और फिर उसके बाद समाज की बात आती है। तो मुझे लगता है कि अगर आप खुद की निगाह में सम्मानित हैं तो समाज तो अवश्य आपको सम्मानित करता है। आज जो व्यक्तित्व, जो विभूतियां यहाँ उपस्थित हैं और जिनका उल्लेख इस कॉफी टेबल बुक में है, वो ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने मैं से ऊपर उठकर हम की कड़ी को आगे बढ़ाया है और समाज के लिए, अपने आसपास के लोकेल के लिए काम करने का एक मादा, एक पहल उन्होंने की है। हमारी बड़ी विनम्र कोशिश है कि इन लोगों को, उनके कार्य को हम रेखांकित करते हुए उनको सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी। तो चलिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए क्योंकि जो बुक लॉन्च हो रही है इसमें आप सभी का जिक्र है जिन्होंने अपने संघर्ष को तय करते हुए आज हमें प्रेरणा दी है। और प्लीज मैं बार बार यही कहूंगी कि आप अपने लिए तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। और इसके साथ ही विशेष सहयोगी गौरव श्रीवास्तव जी, घनश्याम पाटीदार, विजय बाघमारे, पंकज सोनकिया और आशीष खरे जी, तो उनके भी सहयोग से ये कार्यक्रम आज सफल हो पाया है और बुक लॉन्च का कार्यक्रम। लेकिन इस बुक में आखिर ऐसा क्या है ये तो आप सभी जानते हैं कि जो महान हस्तियां यहाँ पर बैठी हैं, आप सभी का जिक्र इस किताब में है, इस बुक में है। मैं आप सभी आगंतुकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप वो प्रेरक शख्सियत हैं जिन्होंने शून्य से शिखर की यात्रा तय की है। किसी ने माधव सेवा को, मानव सेवा को ही माधव सेवा का माध्यम बनाया, तो किसी ने कई लोगों के हाथ पकड़े, जीवन को नई दिशा दी, कई लोगों ने रोजगार की वो दिशा तैयार की जहां न केवल उन्होंने अपने सर्वाइवल के आगे सोचा बल्कि सैकड़ों हजारों लोगों तक जो है रोजगार को आगे बढ़ाया। आप सबकी कहानी अपने आप में अद्भुत है, नायाब है और आप सबको इस मंच पर पाकर बंसल न्यूज अभिभूत है। पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रीति जी जिन्होंने इसको लिखा, आपका भी धन्यवाद। मेरी टीम जिसने इस बुक को कंप्लीट करने में सहयोग दिया, पंकज, विजय, निकुंज, आशीष, आप सभी बधाई के पात्र हैं और आप सबकी मेहनत से एक बहुत सुंदर काम हो पाया है। आप सभी को धन्यवाद, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। तो चलिए जोरदार तालियां मंत्री विश्वास कैलाश सारंग जी के लिए। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय शरद द्विवेदी जी, आदरणीय आशीष जी, बंसल की सभी टीम और आज बंसल के बैनर के माध्यम से जिन विशिष्ट समाज सेवियों का यहाँ सम्मान हो रहा है वो सब विशिष्ट जन, मैं बंसल परिवार को बहुत बधाई दूंगा।
कि उन्होंने कॉफी टेबल बुक के माध्यम से समाज में वो विशिष्ट जन जिन्होंने समाज को कुछ देने के लिए समाज में कुछ उत्कृष्ट कार्य किया। ये बात सही है कि जो व्यक्ति इस जहां में आया है उसको भगवान ने अपने अलग अलग दायित्व दिए हैं। कोई नेता है, कोई पत्रकार है, कोई बिजनेसमैन है, कोई नौकरी करता है, कोई अधिकारी है, कोई कर्मचारी है, पर मुख्य मुद्दा यह है कि यदि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के साथ केवल अपने लिए, केवल अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि समाज, इस राष्ट्र के लिए कुछ कर सकें, यही शायद हमारे जीवन के सही और सार्थक होने की पूर्ति करता है। किसी ने कहा है, जिंदगी आग पे चलने की एक कहानी है, जिंदगी आग पे चलने की एक कहानी है, जिंदगी मौत की भूली हुई निशानी है, अपने मतलब को तो सब जीते हैं सब मरते हैं, खुद को औरों पे मिटा दे वो जिंदगानी। हम केवल अपने लिए ना जिए, हम केवल अपने परिवार के लिए ना जिए, हम केवल अपने करियर को बनाने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में काम ना करें, बल्कि जो दीन है, जो दुखी है, जिसको सही मायने में हमारी जरूरत है, क्या हम उसके लिए कुछ कर पाते हैं? क्या हम हमारे मानव जीवन के उद्देश्य को सार्थक कर पाते हैं? यही सबसे महत्वपूर्ण होता है। बंसल परिवार ने ऐसे लोगों को छांटा जो बहुत, तो मुझे अभी आशीष जी ने बताया कि बिजनेस हाउसेस से हैं, जो अपनी इंडस्ट्री चलाते हैं, तो उन्होंने अपने जिंदगी में कुछ ऐसा किया कि जिनका नाम हुआ। पर मैं शरद जी को और बंसल की टीम को बधाई दूंगा, इस आशीष जी को बधाई दूंगा, सुधीर भाई गोयल जी यदि इस सदन में बैठे हुए हैं तो फिर समाज सेवा के बारे में कुछ और बोलने की आवश्यकता है। ये उज्जैन में वो आश्रम चला रहे हैं, मैं खुद देख के आया, जो मानसिक रोगी हैं उनको रख रहे हैं अपने आश्रम में, जिनको समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको कोई लोग हाथ नहीं लगाते। मैं इनके आश्रम में गया, एक व्यक्ति का पैर सड़ा हुआ था और ये जब उसको लेके आए थे तो उसमें कीड़े पड़े हुए थे, इनको कहीं से पता लगा, ये गए खुद लेके आए उसको। मैं चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति जरूर सुधीर भाई के आश्रम में जाए। जब ऐसे लोगों को आप सम्मानित कर रहे हैं तो इसके बाद भाषण देने की आवश्यकता ही नहीं। और मैं तो इस सदन को और खासकर बंसल को ये कहूंगा कि सुधीर भाई का पूरा प्रकल्प को जरूर समाज को बताएं। मैं आपको बहुत बधाई दूंगा जो यहां सम्मानित हो रहे हैं, उन सबको बहुत बधाई देता हूं। पर जैसा शरद जी ने कहा कि सम्मान इसलिए नहीं दिया जाता कि आपको ताली बजवाना है, सम्मान इसलिए भी नहीं दिया जाता कि आपको मेमेंटो देना है, सम्मान इसलिए भी नहीं दिया जाता कि आपको पुरस्कृत करना है, सम्मान इसलिए दिया जाता है कि आपको इस बात के लिए तैयार करना कि जो आप काम कर रहे हो उसकी समाज को और जरूरत है, और करिए और समाज को और प्रेरणा दीजिए। ये सम्मान करना और सम्मानित होना बहुत दुधारी तलवार है, ध्यान रखिए, सदन में बैठे हुए लोगों को मैं कह रहा हूं, ये बहुत दुधारी तलवार है। ये मत मानिए कि कॉफी टेबल बुक में आपकी फोटो छपी है तो इससे काम हो गया। अब इस कॉफी टेबल बुक में यदि आपकी फोटो छपी है तो समाज आपसे और अपेक्षा कर रहा है और भगवान उस अपेक्षा पर आपको खरा उतारे, यही मैं प्रार्थना करता हूं। और एक बार पुनः बंसल परिवार को बहुत बधाई देता हूं, सुधीर भाई को बहुत साधुवाद करता हूं, मुझे मौका मिला है उनके बारे में बोलने का। सुधीर भाई जैसे लोग इस समाज में और पैदा हों, इसी भावना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। तो कार्यक्रम की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं।
और सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे सुधीर भाई गोयल जी, जिनके बारे में तमाम बातें आज मंत्री जी ने इस मंच से कह दी हैं, और शायद शब्दों की जरूरत भी हमें नहीं पड़ेगी क्योंकि तालियां बहुत कुछ कह रही है। तालियां बजती रहनी चाहिए प्लीज, समाज की दिशा में जो योगदान इनका है उसके लिए आज तालियों की गड़गड़ाहट भी शायद कम पड़ जाए, तो लगातार तालियां बजाते रहिए सुधीर भाई गोयल जी के लिए। इन्होंने समाज में एक महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया है और ये सफर आगे भी अभी जारी रहेगा। चलिए तालियां बजती रहनी चाहिए। और मैं बुलाना चाहूंगी विश्वास मलिक जी को, समाज सेवी मंत्री सारंग जी उनका सम्मान करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दूं कि सुनावट में रहने वाले समाज सेवी आम आदमी पार्टी और उसके साथ ही खरगोन बड़वारी लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी हैं, लेकिन हमेशा ऐसे कामों को इन्होंने किया है समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में जो हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। डॉक्टर गरिमा वैश्य जी चिकित्सक पर्यावरण संरक्षक भी हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियों में कमी ना हो मैं बार बार आपसे निवेदन करूंगी। हवेली की 16 छतों पर 1500 से ज्यादा पौधे इन्होंने लगाए हैं। अपने ही घर में एक मिनी गार्डन इन्होंने बना लिया, जो हम सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे सुधीर भाई गोयल जी, जिनके बारे में तमाम बातें आज मंत्री जी ने इस मंच से कह दी हैं, और शायद शब्दों की जरूरत भी हमें नहीं पड़ेगी क्योंकि तालियां बहुत कुछ कह रही है। तालियां बजती रहनी चाहिए प्लीज, समाज की दिशा में जो योगदान इनका है उसके लिए आज तालियों की गड़गड़ाहट भी शायद कम पड़ जाए, तो लगातार तालियां बजाते रहिए सुधीर भाई गोयल जी के लिए। इन्होंने समाज में एक महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया है और ये सफर आगे भी अभी जारी रहेगा। चलिए तालियां बजती रहनी चाहिए। और मैं बुलाना चाहूंगी विश्वास मलिक जी को, समाज सेवी मंत्री सारंग जी उनका सम्मान करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दूं कि सुनावट में रहने वाले समाज सेवी आम आदमी पार्टी और उसके साथ ही खरगोन बड़वारी लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी हैं, लेकिन हमेशा ऐसे कामों को इन्होंने किया है समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में जो हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। डॉक्टर गरिमा वैश्य जी चिकित्सक पर्यावरण संरक्षक भी हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियों में कमी ना हो मैं बार बार आपसे निवेदन करूंगी। हवेली की 16 छतों पर 1500 से ज्यादा पौधे इन्होंने लगाए हैं। अपने ही घर में एक मिनी गार्डन इन्होंने बना लिया, जो हम सभी के लिए प्रेरणादायी है पर्यावरण संरक्षण की दिशा में। डॉक्टर चिन्मय भालके जी जो हमारे बीच में शायद मौजूद नहीं है, और इसके साथ ही मनोज पाटीदार जी उद्यमी है, उन्हें मैं बुलाना चाहूंगी, जिन्होंने अपने शहर की नौकरी को छोड़ दिया अपने गाँव के किसानों को युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए। तालियां बजती रहे, निवेदन आपसे बार बार। सूर्या इंडस्ट्री के युवा संचालक हैं, और इसके साथ ही अगला नाम डॉक्टर शुभम और डॉक्टर श्रुति महाजन फिजियोथेरेपिस्ट हैं। इनकी माता जी जब बीमार हुई तो उस घटना ने बदल दिया इन्हें, इनकी सोच को, उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट में ये आज अपना करियर बना रहे हैं। अगला नाम है रामू विष्णु, बिजनेसमैन है। शर्मा विष्णु फास्ट फूड का नाम तो आज हम सभी के जुबान पे है, वहां का स्वाद भी हम सभी ने चखा है, तो जिस चेन को उन्होंने आगे बढ़ाया ये वही शख्सियत है। तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि इन्हीं के रस्तों में जाकर हम लोग बिरयानी का और छोले कुलचों का आनंद लेते हैं। तालियां बजती रहे। डोराज गैरे जी बिजनेसमैन है, हमारे बीच में अगर मौजूद है जी। डोराज गैरे जी 1980 में सरकारी विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। सागर गहरे उनके ये पुत्र हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं सम्मान को लेने के लिए, और खाली समय में क्या करूं इसी शौक ने उन्हें आगे बढ़ा दिया। इसके साथ ही कमल यादव बिजनेसमैन उद्यमी हमारे बीच में जो इस वक्त मौजूद हैं। खरगोन के उद्यमी कमल, जिन्होंने 1987 में 14 रुपए की मजदूरी से घरों को टाइल्स फिटिंग का काम यहाँ पर शुरू किया था, और अपने हुनर को आज उन्होंने एक नई पहचान दी है। विकास पाटीदार जी अगला नाम जो हमारे बीच में इस वक्त, चलिए वो यहाँ मौजूद नहीं है, सतीश विश्वकर्मा जी बिल्डर हैं हमारे बीच में मौजूद। सतीश विश्वकर्मा जी अगला नाम। देवेंद्र लोधी जी ये भी बिल्डर हैं, भोपाल में लोधी बिल्डर एंड डेवलपर के रूप में काम कर रहे हैं। देवेंद्र लोधी जी बिल्डर एंड डेवलपर के रूप में काम शुरू करने वाले जो की व्यक्तित्व के धनी। अगला नाम डॉक्टर सत्येंद्र कौल, ये हमारे बीच में मौजूद नहीं है लेकिन तालियां बजा दीजिए इनके लिए भी। सुरेंद्र सिंह ठाकुर बिल्डर है ये भी अगला नाम, बुंदेलखंड बिल्डर्स एंड डेवलपर की शुरुआत इन्होंने की। लगातार तालियां बजती रहे प्लीज। और इसके साथ ही राजेश नाहर जी,
वो हमारे बीच में मौजूद नहीं है, लेकिन वास्तु की दिशा में बहुत बड़ा योगदान देश भर में इनका है, तो तालियां उनके लिए बजा दीजिए। और इसी के साथ निकुंज जी हमारे बीच में मौजूद है, मैं चाहूंगी कि वो मंच पर आ जाए और राजेश नाहर जी की ओर से इस सम्मान को वो ग्रहण करें प्लीज। निकुंज जी के लिए जोरदार तालियां। तो चलिए सम्मान समारोह को यहीं पर हम विराम देते हैं और इसके साथ ही इस बुक की लॉन्चिंग में जिनका सबसे बड़ा सहयोग है वो है हमारे बीच में प्रीति जैन जी जो मौजूद है, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो शायद वो राइटर है इस किताब की, तो जोरदार तालियां प्लीज प्रीति जैन जी के लिए। मैं निवेदन करूंगी मैम आप मंच पर आइए और इस अवार्ड को रिसीव करिए, सम्मान को रिसीव करिए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री विश्वास कैलाश सारंग जी बहुत, क्योंकि व्यस्तता है उनकी, माफ करिएगा सर, कुछ क्षण और आपके लेना चाहेंगे, आपको भी हमें सम्मान देना है। मैं निवेदन करूंगी हमारी टीम से कि मंत्री जी का सम्मान करें और जोरदार तालियां एक बार फिर से हमारे लिए मंत्री जी, जो कि बहुत कम समय के लिए लेकिन हमारे बीच में यहाँ उपस्थित रहे। मैं चाहूंगी कि आशीष महेंद्र जी एक बार प्लीज यहाँ आप आ जाइए सर। माननीय मंत्री विश्वास कैलाश सारंग जी, हमारे चीफ एडिटर साहब शरद द्विवेदी जी और हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स जो भी अलग अलग शहरों से, अलग अलग मध्य प्रदेश के अलग अलग शाखाओं से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उनके काम का जो परचम उनके शहरों के साथ आज मध्य प्रदेश में राजधानी में भी लहरा रहा है, मैं आशा करता हूँ ये परचम राष्ट्र पटल पर भी जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्यक्रम में आने के लिए और गौरव बढ़ाने के लिए, शुक्रिया, थैंक यू। आचार संहिता आखिर है क्या और क्या कहते हैं इसके नियम, चलिए जानते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष